हाय गाइस, दिस इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग HMR मोटो डायरीज। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा। राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू माय वर्क। सो हाल ही में यूट्यूब ने एक नया रूल जारी कर दिया है, जो कि पहले था कि अगर आप 1000 व्यूज आपके अगर पूरे हो जाएंगे तो आपका रिव्यूइंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। बट नाउ कुछ कल या परसों, हाँ कल की बात है, कल मैंने माय स्मार्ट सपोर्ट या एक वीडियो, एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, जिसमें मुझे पता चला कि अब वो रूल बदल दिया जा चुका है। अब का रूल है, अब नया रूल ये है कि आपको 4000 व्यू आवर्स होनी चाहिए और आपके 1000 मिनिमम आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद आपका रिव्यू होगा और उसके बाद मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, ऑलमोस्ट एक मंथ हुआ है मुझे यूट्यूब का स्टार्ट हुए हुए। कुछ वीडियोस हैं, मैंने मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग कुछ किए हैं, कुछ ट्रैवल के रिगार्डिंग के वगैरह कुछ अनबॉक्सिंग किए हैं, और फिर भी मेरा अब तक के मेरे वॉच आवर्स हम कुछ अराउंड है 27 आवर्स और मेरे सब्सक्राइबर है 28। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उन्होंने अभी भी एक नया स्टार्ट किया है, और जनरली उनके चैनल में काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं, काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं इसमें, बट लोग जाके व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स लिटिल बिट ऑफ डीमोटिवेटिंग। पहले जो टारगेट था 1000 व्यूज का, वो था थोड़ा मुश्किल तो था बट वो एक इम्पॉसिबल नहीं था, पर ये एक नया रूल है जिसके वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई काफ़ी जन है जो उसके सर्वाइव हो जाएंगे। काफ़ी जन के सपने थे यूट्यूब में आने का, काफ़ी जन अपना यूट्यूब एक करियर मोड ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे थे, बट अब वो उनको एक बड़ा झटका लगा है। हाँ, मुझे भी झटका लगा है, कल रात से मैं थोड़ा टेंशन में था, बट लेट्स सी अब क्या होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया कमेंट कीजिए इस वीडियो पर कि जो YouTube की जो ये स्ट्रेटजी है, ये नया रूल है, वो सही है, जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो YouTube जैसा कोई और ब्रांड नहीं है दुनिया में। हाँ, आया Facebook ने अपना एक Facebook ही भी YouTube जैसा कुछ स्टार्ट करने वाले थे, पर वो अब तक वो फुल्ली स्टार्ट नहीं हो चुका है। कुछ कुछ कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है, कुछ कुछ कंट्रीज में लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो फेसबुक में वीडियो अपलोड करके उनको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो दे आर इन अ गुड शेप राइट नाउ। बट इंडिया में फिलहाल ये कब आएगा और कितना टाइम लगेगा इसे आने में, इसे एस्टेब्लिश होने में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। मैं YouTube में क्यों हूँ और मैं YouTube में क्या कर रहा हूँ? फिलहाल तो पहले मैं YouTube देखता था सिर्फ अपना ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए, जैसे कि फोटोशॉप है, लाइट रूम है, एडोब लाइट रूम है, और कुछ अलग अलग से सॉफ्टवेयर है, मैं उसके लिए यूज़ करता था YouTube। बट जब से मैंने मुंबई का निखिल जब पहली बार लद्दाख गया था अपने Duke 390 पे, तब से मैंने YouTube देखना चालू कर दिया। हाँ, ट्रैवलिंग का मुझे शौक था, पर मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि बाइक, आपके पास एक बाइक हो तो आप बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हो, आपके जो शूट्स, आपके जो क्या बोलते हो उसे, हाँ, आपके जो जर्नी है वो आप एक कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब क्या बोल सकते हैं, मैं भी चाहता था कि हाँ, मैं भी अपना ट्रैवल टाइम रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट कर सकूं, बट यस, आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मुंबई का निखिल, और सिर्फ मुंबई का निखिल ही नहीं, उसके साथ आया था ऑगी एफ,
वन वर्ल्ड वर्ल्ड राइड, तो अभी फिलहाल तो मैं ऑगी एफ, वर्ल्ड 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 राइड, श्रीमान कोटारू, ऐसे जो एस्टेब्लिश यूट्यूबर्स हैं उन्हें काफ़ी कम फॉलो करता हूँ और उनसे थोड़ा ट्राई करता हूँ कि कुछ उनसे सीख पाऊँ काफ़ी। और सब इस बात का मैं सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल मेरा फेवरेट सबसे ये है कि वन वर्ल्ड वन राइड, क्योंकि हाँ वन वर्ल्ड वन राइड ऑन अ बाइक, बाइक पे जाना ये सबके लिए एक ड्रीम ही है। बाइक, अरे यार उसकी ट्रैफिक, बाइक पे ट्रैवल करना है एक बाइक पर, यस, और बाइक भी काफ़ी अच्छी है, जी एस 1200 जी एस बी एम डब्ल्यू की, इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड की, और ये काफ़ी जन हैं जो उन्होंने वर्ल्ड राइड किए हैं पर उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए अपना, वीडियो उनके पास जाना, वीडियो नहीं शूट कर पाए उनके जर्नी का, तो जो कि ये देवोशीष और जो डीजे भाई है हमारे, हाँ भाई वाले, जो उनको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हो चुके हैं और मैं भी इंस्पायर्ड हो चुका हूँ कि शायद से मैं वर्ल्ड राइड तो एक दूर की बात है पर हाँ मैं अपना इंडिया का फुल राइड तो कर सकूँ। और हाँ उम्मीद है, ये उम्मीद कब जीत पे बदलेगी क्या पता, पर हाँ बदलेगी तो ज़रूर और ये होगा तो ज़रूर कि कौन से बाइक को, अभी फ़िलहाल तो मैं चला रहा हूँ हॉर्नेट 160, बट इन फ्यूचर अगर मैं थोड़ा अपग्रेड भी कर लूँ तो पता नहीं, इस पे भी मैं कर सकता हूँ कुछ कुछ राइड्स, पर आश्रा पर फिलहाल तो ये मैंने अपने डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, बस ये जो YouTube का जो नया रूल एंड रेगुलेशन है वो थोड़ा धक्का रहा था मेरे लिए, अगर या मे भी और बाकी लोगों के लिए भी होगा जो कि नए नए यूट्यूबर हैं। अब बात करते हैं कि मेरे अगले प्लान की, मेरा अगला, मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया क्योंकि मैं जो कुछ भी डिसाइड करता हूँ वो इनिशिएट नहीं होता, एंड मैं ऑन द स्पॉट मुझे कुछ आइडिया आ जाता है मैं सीधा उसी टाइम उस पर काम करना चालू कर देता हूँ तभी वो इनिशिएट होता है। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था, या मैंने रात को नहीं सोचा था, मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने सोचा कि चलो यार एक ऐसा वीडियो बना दे जिसके बारे में, जो यूट्यूब का जो नए पॉलिसी के बारे में एक वीडियो बना दे। उतनी तो मेरा अगला वीडियो सीओ का रिव्यू होगा, सीओ का मैं इंस्टॉलेशन, सीट पे इंस्टॉलेशन का जो काफ़ी इजी है वो एक दिखाऊंगा, प्लस उसका एक रिव्यू दूंगा अच्छा, और जो रिव्यू है वो एक जेन्यून रिव्यू होगा, ना वो पेड प्रमोशन है या कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उसको रिव्यू करूँगा, अनबॉक्सिंग तो नहीं और रिव्यू कर सकता हूँ, लेट सी। सो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट। पीस।